बारे में बहुत कुछ जानते हो, मुझे कुछ याद ना होने का फायदा उठा रहे हो। पापा, मैं आ गया हूं। अब भी आपने मुझे माफ किया है या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए पापा, अब हम तीनों भाई बहन फिर से एक साथ हो गए हैं। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमसे जो छीना गया है हम वो मिलकर वापस लेकर ही रहेंगे। हम आपका बदला लेकर रहेंगे। अब यहाँ देखिए, पिछले एक हफ्ते में ही एक दूसरी लीगल एंटिटी ने क्वींस के 7% शेयर्स खरीद लिए, यानी उनके पास टोटल 45.1% शेयर्स है। हमारे फ्रोजन शेयर्स रिलीज होंगे तो हमारे पास टोटल 39.3% शेयर्स होंगे। क्या पायोन वाले अब भी उनका साथ देंगे? मैंने न्यूयॉर्क में जो भी देखा और समझा है उस हिसाब से हाँ। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके क्वींस ग्रुप को बेचकर बिना किसी हलचल के किनारे हो जाना, और इसमें मोसुल ही उनका साथ जरूर देगी। फिर तो लीगली हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेजोरिटी उनके पास है। चेयरमैन हुंग के स्लश फंड का इस्तेमाल करके उन्होंने टोटल 13.3% शेयर्स खरीदे। हालांकि स्लश फंड सारा पैसा गैर कानूनी है, और असल में उस पैसे पर सरकार का ही हक होगा, तो हम शेयर्स की बिक्री नलीफाई करने का केस करेंगे। क्या क्या कह रही हो? मैं कोई जुर्म नहीं कबूल करूंगी क्योंकि मैंने अपनी भरपाई कर दी है। योनू का कहना है इसमें जो भी गाने हैं वो सब ही इनको बचपन से पसंद है। ये सारे गाने सुनकर ना उसकी याददाश्त वापस नहीं आने वाली। तुम लोग ज्यादा ही फिल्में देखते हो। अरे लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। और सुनो, जर्मनी से एक पैकेज आने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ ही इनके हाथ में पहुंचना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन इतना जोखिम वाला काम मुझे क्यों दे रहे हो? ओह, ये तो जर्मनी से आया है। ये मुझे दो। मिस्टर यून ने कहा है हेन मैडम के नाम से जो कुछ है पहले उनके पास जाए। ये पैकेज मिस्टर यून के लिए है ना? मैं उन तक पहुंचा दूंगी, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है।